हाँ सर यही है। इसकी शादी हो चुकी है। सर हमें ये बात नहीं पता थी सर, इसी ने मेरे भाई का मर्डर किया है सर। जैसे कि हम सोच रहे थे श्री की तीनों बहनें लेस्बियन हैं, तो ऐसे में ये भैरवी और निखिल की स्टोरी मैच नहीं होती। अगर ऐसा होता तो ये निधि सिर्फ भैरवी के साथ नजदीकियां बढ़ाती, संदीप और निखिल से नहीं। सर संदीप के बॉडी के पास हमें जो मंगलसूत्र मिला था वो निधि का ही है सर। ये देखिए ज्वेलर ने ये कंफर्म किया है। और सर हमें जो चाकू पे फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी निधि के ही है। निधि के घर पे मिले फिंगरप्रिंट्स से हमने वेरीफाई किया है। इसका मतलब संदीप की फैमिली सच बोल रही थी कि निधि ने संदीप को मारा है, तो क्या विवेक को भी निधि ने मारा है? और सर और एक बात, जहाँ पे हमें विवेक की बॉडी मिली थी वहीं पे एक गड्ढे में हमें इंजेक्शन और दवाई की बॉटल मिली है, उन दोनों को भी हमने फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दिया है। इगतपुरी पुलिस से संदीप की फैमिली की डिटेल्स ले लो। सर जिस रात संदीप गायब हुआ उसी रात 2:20 पे ये भैरव और निखिल दोनों घर के बाहर निकले। और उस दिन क्या कह रही थी, मैं गहरी नींद सोती हूँ, सवेरे 6 उठती हूँ। शिरके सर दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लिया। प्रताप दाखवा इनसे, देखो देखा। अब मैं बता दो क्या हुआ, तुम्हारी कार इगतपुरी के बाहर से नासिक होते हुए उस जंगल के उस जगह तक पहुंची जहां संदीप की बॉडी हमें मिली। इतना ही नहीं तो तुम्हारा डम डेटा ये कहता है कि तुम्हारा मोबाइल सवेरे 3:30 से लेके 4:15 तक वहां ऑन था, बाद में 6 तुम लोग फिर से इगतपुरी आ गए। इतना ही नहीं तुम्हारे कार में संदीप के ब्लड के ट्रेसेस मिले और तुम्हारे लैपटॉप में इसका और निधि का सेक्स वीडियो मिला है। और इतना ही नहीं तुम्हारी मेड सविता उसने बताया कि तुम दोनों निधि को किस तरह तकलीफ देते थे। अब तुम्हारी बारी है सच्चाई बताने की। सर निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं कॉलेज के टाइम से उसे पसंद करती थी। तुमने निधु को संदीप को धमकी देते हुए सुना था, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया, संदीप को मार देंगे, सारा इल्जाम निधि पे जाएगा। सर वो एक्चुअली मैं नहीं, संदीप गहरी नींद में सोया करता था और उस रात जब संदीप सोया हुआ था तुमने संदीप को इसलिए मारा ताकि तुम दोनों अपनी सारी इच्छाएं निधि के साथ पूरी कर सको। हमने सोचा था कि संदीप की बॉडी के पास निधि का मंगलसूत्र मिला है, ऐसे कहकर निधि को डरा के रखेंगे। लेकिन हम जब घर वापस आए तब तक निधि सामान लेकर वापस चली गई थी। अब तुम इनको लेके चली जाओ। श्री ये तो कंफर्म हो गया कि निधि ने संदीप को नहीं मारा, विवेक को किसने मारा और ये निधि कहाँ है? ये जो मैसेजेस है
ये तुमने भेजे ना रंजीत को? नहीं सर, ये मैसेजेस मैंने नहीं भेजे हैं। वो एक्चुअली कल रात को मेरा फोन खो गया था। शायद किसी ने मुझे फंसाने के लिए मेरे फोन का मिसयूज किया है। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो हमसे? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तो रंजीत सर की पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, उनकी एक शुभचिंतक हूँ। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन बिना हमसे पूछे शहर छोड़ के मत जाना। सर मैंने प्रिया के बारे में पता किया, वो भले ही रंजीत की पार्टी में कार्यकर्ता थी लेकिन दोनों का अफेयर चल रहा था। तो क्या रंजीत धोखा दे रहा था प्रिया को? प्रिया ने उसी का बदला दिया और अब हमसे बोल रही है कि फोन खो गया था उसका। सर हाँ पंकज, रंजीत की बीवी प्रेरणा, उसकी भी मौत हो गई है। और सर मैंने मिहिर के ऑफिस में भी पूछताछ की तो पता चला है कि मेनका नाम की लड़की उससे काफी मिल रही थी और मिहिर के CDR में उसका नंबर भी मिला है जो कि अब बंद है। वरुण तुम ज्योत्सना के खिलाफ पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर देते? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि शादी के बिना भी मैं तुम्हें सारा दे सकता हूँ लेकिन नहीं, तुम जिद पे जिद करती रही। कनिका मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे ऑफिस मत आया करो। वरुण तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? कनिका समझने की कोशिश करो, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन उसके बाद मैं नहीं गई थी तुम्हारे पास, तुम खुद आए थे मेरे पास। कनिका मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरे घर पे? ठीक है चलिए, मैं आपको एक हफ्ते में बताती हूँ उसके बारे में। नमस्ते। नमस्ते। कौन है? मेरा एडवोकेट है, गांव में पापा की करोड़ों की जमीन पड़ी है, सोचो उसे बेच दूं कहीं कोई कब्जा ना कर ले। लेकिन तुम्हें क्या, तुम जाओ अपनी ज्योत्सना के पास। कनिका मैं ज्योत्सना से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मैं पहले हिम्मत नहीं कर पा रहा था लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था कनिका, इसीलिए शादी के लिए मना कर रहा था क्योंकि ज्योत्सना मुझे तलाक नहीं दे रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दो नावों में पैर रख के मैंने गलती कर दी और अब मैं डूब रहा हूँ। वरुण प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगी, कभी नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।